YouTube के इस ऑनलाइन लेक्चर में आज हम बात करेंगे थर्मल इंजिंग एंड गैस डायनेमिक सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट 4 से है। जैसा कि यूनिट 4 के अंदर हम एयर कंप्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 5 से 6 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मल्टी स्टेज कंप्रेशर क्या होता है, और उसी के अंदर मैंने बताया था कि 2 स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर कैसे फंक्शनिंग करता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर रखी हैं, उस वीडियो लेक्चर को आप देखिए। और अभी तक अगर आपने ये यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो बात करेंगे कि जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मल्टी स्टेज कंप्रेशर में हम एक इंटरकूलिंग ऑफ एयर जो है या इंटरकूलर का यूज करते हैं, तो उसका क्या रोल है इस चीज को समझेंगे, और साथ ही साथ ये इंटरकूलर 2 तरीके से होते हैं उस चीज को समझेंगे, और साथ ही साथ हम पीवी डायग्राम भी देखेंगे। ये पीवी डायग्राम किसका होगा? 2 स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसके कारण हम मल्टी स्टेज कंप्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। और मल्टी स्टेज कंप्रेशर में हम एक इंटरकूलर जो है वो लगाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका 2 स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर है, ये आपका 1 स्टेज, ये 2nd स्टेज। दोनों स्टेज में हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं। तो एक स्टेज में कंप्रेस करोगे तो एयर को लेके जाओगे, इंटरकूलर लगा हुआ है जो कि एयर को ठंडा करेगा, उसके टेम्परेचर को डाउन करेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमें प्रेशर ही तो बढ़ाना है इसमें। और फिर इसमें ले जाएंगे, फिर दोबारा ये प्रेशर बढ़ा देगा, तो इसका प्रेशर जनरली 10-12 bar जनरली हम इसमें डेवलप कर लेते हैं। तो बात करेंगे इंटरकूलिंग के बारे में, इंटरकूलिंग ऑफ एयर क्या होता है। द एफिशिएंसी ऑफ द इंटरकूलर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ 2 स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। मतलब जो इंटरकूलर है ना, ये वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसकी, वर्किंग ऑफ 2 स्टेज रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर के लिए। द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ इंटरकूलर आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। 2 तरीके के इंटरकूलर जनरली हम डिफाइन करते हैं, कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि गेट के अंदर भी आता है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये पूछता है। तो बात करेंगे जैसे ये कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग में क्या होता है, इसको आप समझिए। यहाँ पे नीचे मैंने डायग्राम बना रखे हैं, उसके साथ भी मैं समझाऊंगा। देन द टेम्परेचर ऑफ द एयर लीविंग द इंटरकूलर, ये जो टेम्परेचर है, जब ये यहाँ पे P2 और T2 इसका टेम्परेचर है और ये प्रेशर P2 है, जब ये इसके अंदर जाएगा तो इसमें एग्जिस्ट जो टेम्परेचर होगा वही चीज़ बोल रहा है, ये T3 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे T3। तो वेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर लीविंग द इंटरकूलर T3 इज इक्वल टू द ओरिजिनल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर T1, इसके इक्वल हो जाए, देन द इंटरकूलिंग इज नोन एज द कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग। इन दिस केस द 0.3 लाइज ऑन द आइसोथर्मल कर्व। तो इसका क्या मतलब, इस चीज को आप समझिएगा, मतलब जो इंटरकूलिंग हम करवा रहे हैं तो कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग किसको कहेंगे हम, जब आपने इंटरकूलर लगाया और उसने जो T2 टेम्परेचर है जो हायर था, इसको जनरली इसने क्या कर दिया, T3 में कन्वर्ट कर दिया, और लोअर जो टेम्परेचर में कन्वर्ट किया, किसके इक्वल हो गया, ये T3 इक्वल हो गया T1 के, इसके इक्वल हो गया एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे कि वो परफेक्ट इंटरकूलिंग है, ठीक है, बराबर हो गया उसके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कूलिंग की है आपने परफेक्ट कूलिंग की है, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर T3 T1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसे हम परफेक्ट बोलते हैं। इन दिस केस द 0.3 लाई ऑन द आइसोथर्मल कर्व, और ये जो 0.3 लाइज करेगा वो आइसोथर्मल कर्व पे करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीवी डायग्राम सेम जैसे कि हमने सिंगल स्टेज में समझा था वैसे ही है। तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस सक्शन प्रोसेस होगी, ये आपकी कौन सी होगी, ये होगी आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। फिर ये जो कर्व आएगा इस टाइप से, ये पूरा ये डिलीवर कर देगा। 3 प्रोसेस होती हैं, सक्शन यानी एयर को सक करेगा ये पहले स्टेज में, फिर दूसरे में क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस भी हम 3 तरीके से करते हैं, एक होती है आपकी आइसोथर्मल, एक पॉलीट्रॉपिक, एक होती है आपकी आइसेंट्रॉपिक। फिर उसके बाद इसको डिलीवर कर देते हैं, किस में डिलीवर कर देते हैं हम, स्टोरेज टैंक वगैरह में। लेकिन इसमें ये जो है आपका ये लो प्रेशर यहाँ पर लगा हुआ है पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, और यहाँ पर फिर हाई प्रेशर लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसमें जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर इंटरकूलिंग लगा हुआ है, दोबारा इंटरकूलिंग करवाएंगे, ठंडा करेंगे एयर को, फिर दोबारा इसको सक करेंगे। तो जैसे ही वो सक करेगा फिर उसमें हम कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने के बाद फिर डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, ये प्रेशर जो होगा, ये हाई होगा आप इन कंपेयर टू दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ऐसी होती है जनरली, इस टाइप से, फिर दोबारा यहाँ से आती है और ये इस टाइप से। इसमें क्लियरेंस हम ले नहीं रहे हैं, क्लियरेंस को छोड़ रखा है हमने, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो ऊपर कुछ क्लियरेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, उस चीज़ को आप वहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो ये विदाउट क्लियरेंस की बात कर रहे हैं हम, इसको क्लियरेंस के साथ भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस हम देते हैं, जिसे हम BC बोलते हैं,
आइस इंजन में भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं, एक तो स्वीप वॉल्यूम होता है और एक क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। अब जनरली जैसे कि अगर हम कंपेयर करें सिंगल स्टेज एंड जो आपका टू स्टेज है, तो होता क्या है समझना है इसमें, ये जो एरिया है, इतना एरिया जो है, इतना एरिया हम नेगलेक्ट कर देते हैं इसमें मल्टी स्टेज में, ठीक है, या टू स्टेज के अंदर। और अगर आप यही प्रोसेस सिंगल स्टेज में लेते तो क्या होता, आपको इतना जो एरिया, ये पूरा एरिया, इतना वर्क डन आपको करना पड़ता, देख रहे होगे आप, इतना वर्क डन पूरा करना पड़ता सिंगल स्टेज में। लेकिन ये टू स्टेज में हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा सेव हो रहा है। तो इसका ये एडवांटेज है, जनरली एक मोस्ट एडवांटेज ये भी है सिंगल स्टेज के कंपेयर में। जो मल्टी स्टेज या टू स्टेज हम करते हैं उसमें इतना एरिया जो, इतना वर्क डन जो है, हमें नहीं करना पड़ता, इतना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। लेकिन सिंगल स्टेज में हमें इतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए जो है हमने टू स्टेज या मल्टी स्टेज को बनाया। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग क्या होता है। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट एंड इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग, इसमें क्या होगा। तो इसमें जनरली ये जो बोल रहा है आपको 0.3 लाइज ऑन द आइसोथर्मल कर्व, तो ये जो होता है इसे हम बोलेंगे आइसोथर्मल कर्व, ये होगा आपका पॉलीट्रॉपिक, और इसके बाहर होता है उसको हम बोलते हैं आइसेंट्रॉपिक। तो ये जो 0.1 है, 0.3 जो है, ये एक ही उसमें लाइज करेगा, है ना, क्योंकि ये इक्वल होगा T3 और T1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये इसी कर्व पे जनरली लाइज करेगा। तो ये वही चीज़ बोल रहा है, आइसोथर्मल कर्व पे लाइज करेगा PV डायग्राम में। और अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग, इसमें क्या होगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द इंटरकूलर T3 इज मोर देन द ओरिजिनल टेम्परेचर एयर टेम्परेचर T1, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर ये जो T3 है ये ज़्यादा होगा इन कम्पेयर टू T1, तो ये इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग होगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आपका जो पिस्टन हेड सिलेंडर वगैरह है या उसमें जो लुब्रिकेंट है वो जल जाएगा, तो हमें टेम्परेचर कम से कम मेंटेन करके रखना है, ठीक है। देन द इंटरकूलिंग इज नोन एज द इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग, इन दिस केस द 0.3 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। तो ये जो आइसोथर्मल कर्व है आप देख रहे होगे, ये वाला ये आइसोथर्मल कर्व है, ये पॉलीट्रॉपिक कर्व है, ये पॉलीट्रॉपिक कर्व है, तो 0.3 इसके इस साइड जो है वो सिचुएट होगा, इस कर्व पे नहीं आएगा। पहले जो है अगर आपने देखा होगा परफेक्ट में यहीं पे था पॉइंट, और ये पॉइंट दोनों एक ही पे थे, लेकिन ये थोड़ा सा हट जाएगा इससे, जिसमें जो है आप इनकम्प्लीट या इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग होगी, ठीक है। तो जनरली हम इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसा हो जाता है तो हम इसमें कुछ ऐसे इसके वो हैं जिसमें इसको मिनिमाइज करते हैं हम। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दो तरीके की इंटरकूलिंग हमने आज समझी, जिसमें कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग, और फिर हमने देखा इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग। कुछ नहीं होता है, बस इसमें यही चीज़ें रहती हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर इक्वल हो गया, मतलब उसके एटमोस्फेरिक स्टार्टिंग टेम्परेचर के जो सक्शन वाला था, जो फर्स्ट स्टेज वाला था, उसके बराबर है T3 जो की वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट है और इंटरकूलिंग परफेक्ट है। और अगर बराबर नहीं है, ज़्यादा है, तो फिर तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपका पिस्टन सिलेंडर जो है उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसके चांसेस रहेंगे उसके बर्निंग के या उसके ब्लास्ट होने के, या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसमें काम करते हैं। तो हमको प्रेशर हाई रखना है लेकिन टेम्परेचर लो रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसलिए इंटरकूलिंग का अरेंजमेंट करके रखा। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका वर्क डन जो है देखेंगे, और उसके फिर इसके बाद जो वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में। तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा, कुछ चीज़ें होंगी शायद जो मिस कर रहे होगे आप, लेकिन अपने पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको आपका सिलेबस जो है वो कवर करवा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेटर वे में डिफाइन कर पाऊँ। और यही क्वेश्चंस आपके गेट वगैरह IAS वगैरह में क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरकूलिंग का क्या रोल है, इनकम्प्लीट इनपरफेक्ट इंटरकूलिंग में क्या होता है, तो बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। मल्टी स्टेज कंप्रेशर का यूज़ क्यों करते हैं हम, और उसमें इंटरकूलिंग का क्या यूज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके मोस्ट एडवांटेज चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिए। और अभी तक अगर आपने ये यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं इसका वर्क डन बताऊंगा टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर, और उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।